भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी को लेकर मंगलवार को आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने मुजफ्फरपुर में सहायक उद्यान निदेशक के पद पर पदस्थापित शंभू प्रसाद के चार ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान से मिली जानकारी के अनुसार ईओयू को इस बात की गुप्त जानकारी मिली थी कि शंभू प्रसाद ने अपने पद का दुरुपयोग कर 101.15% अकूत परिसंपत्तियां स्वयं एवं अपने परिजनों के नाम से अर्जित कर रखी हैं। वहीं जब ईओयू ने इसकी जांच पड़ताल की तो शंभू प्रसाद के विरुद्ध मिली जानकारी 100% सही पाई गई। इसके बाद शंभू प्रसाद के विरुद्ध आर्थिक अपराध थाना में केस दर्ज कर लिया गया। प्राथमिकी के अनुसार इनकी परिसंपत्तियों एवं अन्य व्यय के आधार पर इनकी आय से अधिक संपत्ति लगभग 101.15% अधिक बताई गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद ईओयू ने एडीजी नैयर हसनैन खान के निर्देश के बाद छापेमारी को लेकर विशेष न्यायालय से अनुमति हासिल की। मंगलवार को अहले सुबह से पटना और मुजफ्फरपुर समेत उनके पैतृक आवास बेलछी में छापेमारी की गई। छापेमारी दल का नेतृत्व ईओयू के पुलिस उपाधीक्षकों पुलिस निरीक्षकों के नेतृत्व में गठित विशेष टीमों द्वारा किया जा रहा है। साथ ही तलाशी की कार्रवाई भी जारी है। टीम की छापेमारी मुजफ्फरपुर स्थित सहायक उद्यान के निदेशक कार्यालय मुजफ्फरपुर स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 6 परिषद के सामने अव्यवस्थित किराए का आवास पटना के पटेल नगर के रोड नंबर 8 स्थित मकान एवं ग्राम फतेहपुर थाना बेलछी जिला पटना स्थित पैतृक आवास में छापेमारी जारी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।